हाँ एवरीवन, आज हम लोग MR9 को रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि एक बांग्लादेश मूवी है। ड्रामा है, क्राइम है, थ्रिलर है, एक्शन है और ये रिलीज़ होने वाली है जून 2023 में। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका कहा था कि इसको ज़रूर रिएक्ट करना है। ये एक बहुत ही बड़ी सजेशन है, बहुत ही रिक्वेस्टेड सजेशन है। तो हम इसको सुनने वाले हैं, हम इसको देखने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं। समरी आपको मैं बता देती हूँ। मसूद राना मतलब MR, मसूद राना इज अ सीक्रेट एजेंट विद कोड नेम MR9 of the Bangladesh Counter-Intelligence Agency. For over 55 years has appeared in the widely popular novels written by Kazi Anwar Hussain. Kazi Anwar Hussain जो हैं वो बंगला राइटर हैं और स्पाई राइटर हैं, थ्रिलर्स लिखते हैं, क्राइम लिखते हैं। बहुत ही अच्छा, जो बंदा भी ये जॉनरा लिखता है ना, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही फैसिनेट करता है। क्योंकि एक बंदा उठ के कहता है मैं स्पाई थ्रिलर्स लिखूंगा, मैं एक्शन लिखूंगा, मैं सस्पेंस लिखूंगा। बहुत ही ना अजीब सी बात है, क्योंकि ये एक रेगुलर माइंड इस तरह की चीज़ नहीं सोचता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक आम बंदे की बात नहीं है कि जाके तो थ्रिलर लिख दो, जाके स्पाई थ्रिलर लिख दो, एक्शन लिख दो। ये कुछ ना यूनिक लोग होते हैं जो कि ऑब्सेस्ड होते हैं, जो कि पैशनेट होते हैं अबाउट एक्शन, अबाउट थ्रिलर्स, इस जॉनरा के बारे में वो लिख सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स का काम है, क्योंकि रेगुलर लाइफ हर किसी की इतनी टफ होती है, उसमें से टाइम निकाल के एक अलग से चीज़ के बारे में सोचना एक आर्ट है, एक फ़न है, एक IQ की बात है। एक हाईली इंटेलिजेंट बंदा ये काम कर सकता है। तो मैं काजी अनवर हुसैन इज़, आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद हिम। हम काजी अनवर हुसैन को थोड़ा सर्च करते हैं। He is a Bangladeshi writer who mainly penned spy thriller, detective novels and adventure-based novels, most of which are adaptations translated from a heavy influence. इनकी writings foreign literature से inspired हैं, influenced हैं और इन्होंने बहुत सारा काम सस्पेंस पे किया है, एक्शन पे किया है, डिटेक्टिव नॉवेल्स पे किया है। MR9 की समरी पढ़े थे। काजी अनवर हुसैन with over 550 and counting novels published in the series to date by his publishing company Sheba Prakashoni. This film is adapted from the original first novel मसूद राना। प्लॉट वगैरह हमारे पास नहीं है, मगर मसूद राना एक एजेंट है, एजेंसी के, बांग्लादेशी डिटेक्टिव एजेंसी है जिसके टॉप सीक्रेट एजेंट है मसूद राना और ही गोज बाय द नेम MR9, कोड नेम है ये। उन पे ये मूवी बेस करेगी। एक्शन है, आई एम टू एक्साइटेड। देखते हैं कि क्या है, क्या ट्रेलर क्या कह रहा है। रिएक्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर तो ये प्लेटफॉर्म जैज़ मल्टीमीडिया ब्लॉग करता हुआ रिएक्शंस को, रिव्यूज़ को, अपनी वीडियोज़ को, तो फिर मुझे किसी और तरीके से इसको रिएक्ट करना पड़ेगा। लेट्स डाइव इन। 3, 2, 1 गो। MR9, we are connected with you. Copy that. Technology, human innovation comes along, and it defies everything you thought was possible. Hello, friends. I'd say welcome, but I find it a little inconvenient that you're trying to crash my party. What do you people know about my operation? Nice to finally meet you in person, MR9. Paul Taylor. CIA. Heard a lot of your stories. Very impressive. Celebrity billionaire Roman Ross and his younger brother, Ricky. How you doing, little brother? Still alive. They've been selling high-tech robotic explosives and weapons. I know there's more going on behind the curtain. I just hope that we can find out what it is before it's too late. You get compromised. We don't know them. Micro surveillance bug connected to your smartwatch. Keep you out of trouble. Maybe I like the trouble. Ron Jordan. No. MR9 do or die. भाई साहब, आई एम टू मच इम्प्रेस्ड। इंटरनेशनल कास्टिंग की हुई है बंगला मूवी में, मतलब क्या चल रहा है। The trailer was so promising, so convincing. It was good. Great trailer. बहुत ही ज़्यादा action देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा acting देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छी casting, बहुत ही उनमें काले भी हैं, उनमें गोरे भी हैं, उनमें इंडियंस भी कास्ट किए हुए हैं, सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी मिल रही है। लड़की की एक्टिंग देखो, मेन कैरेक्टर की एक्टिंग देखो, बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा वर्क और ड्रोन शॉट्स और ग्रीन स्क्रीन, मतलब वीएफएक्स देखो तो ये तो बहुत सॉलिड लगी मुझे। अगर मुझे पता होता ना इतनी अच्छी है तो मैं इसको पहले रिएक्ट करती। इट्स टू गुड। आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान के तो चलो जो हालात हैं टका ऊपर चला गया। आई एम ग्लैड क्योंकि ये लोगों को, जो लोग बूस्टफुल लोग होते हैं उनको, दे नीड टू हैव द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो अच्छा है, मैं तो हम खुश। पाकिस्तान अब देख रहा है कि हम कहाँ फॉल करते हैं और कहाँ पे गलतियाँ की हैं, अब कहाँ से राइज करना है। बट उस सब चीज़ों के अलावा आई एम सो हैप्पी कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, बांग्ला इकोनॉमी फ्लॉरिश कर रही है, बांग्ला इंडस्ट्रीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी में बांग्लादेश कहाँ जा रहा है। मूवीज़ में तो एक साल हो गया कि मैं बांग्ला मूवीज़ को रिएक्ट करती हूँ और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो, क्या एक्टर्स यूज़ करते हैं, राइटर्स हैं, क्या डायरेक्टर्स हैं, क्या इक्विपमेंट है। मैं एम लाइक टू हैप्पी जनरली। मुझे लगता है कि बहुत नाम कमाने वाले हैं, ये मूवी बहुत बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करेगी। इनमें रानचोर दास चांचड़ एक बहुत वर्ल्ड फेमस मूवी है 3 Idiots, उनमें एक लीडिंग एक्टर ही होता है, मतलब मेन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है रानचोर दास चांचड़ का। मुझे लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ, वो आमिर खान का है। मगर इनका एक कैरेक्टर होता है कि ये बहुत थीटा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करते होते हैं, टॉप करते होते हैं। ये वही एक्टर, उनको कास्ट किया हुआ है, इंटरनेशनल एक्टर्स को कास्ट किया हुआ है, सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जाके बनाई गई है, उस लेवल पे प्रोड्यूस की गई है। एक्शन बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये एक्शन मूवी है और एक्शन को जज किया जाएगा और उसमें एक्शन होना चाहिए। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा था, वीएफएक्स बहुत अच्छा लग रहा था, एक्टिंग सॉलिड लग रही थी। आई एम टू एक्साइटेड। इसको तो देखा जा सकता है, सीरीज़ तो बहुत लंबी होती है, मतलब 2 घंटे 18 मिनट की मूवी है, आएगी तो मैं उसको देखूंगी। और मुझे तो बहुत मज़ा, बहुत ही अच्छा ट्रेलर काटा है। ट्रेलर इसलिए काटा जाता है ताकि लोग मूवी देखने आएँ, बहुत अच्छा काटा है उसको, बहुत मज़ा आया देख के। प्रिटी प्रॉमिसिंग। और दैट इज़ ऑल, आई सी यू गाइस द नेक्स्ट वन। बड़े खुशी से मैं वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि I'll see you guys in the next one. Subscribe this one. Subscribe my backup. It's GOAT Reactions. Follow me on Instagram, @Memona. Can't wait to see you guys in the next reaction or review or the video. Bye. Good night.